में पदस्थ महिला एएसआई पर ग्राम हिरवा टोला के एक कुटवार के साथ अभद्रता करने, धमकाने और वर्दी उतार देने की धमकियां देने का लगा आरोप। बालाघाट के ग्राम रक्षक कोटवार संघ ने चांगो टोला थाने में पदस्थ महिला एएसआई पर ग्राम हिरवा टोला के एक कोटवार के साथ अभद्रता करने, उन्हें डराने, धमकाने और उनकी वर्दी उतार देने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत कोटवार संघ द्वारा गुरुवार को एक ज्ञापन के माध्यम से नायब तहसीलदार से की गई है, जहाँ कोटवार संघ और पीड़ित ग्राम रक्षक कोटवार जसवंत ने चांगो टोला में पदस्थ महिला एएसआई पर उक्त आरोप लगाते हुए मामले में वैधानिक वाही कर उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? यशवंत। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम रेवा टोला। क्या पद, कौन से पद पे हैं? ग्राम रक्षक कोटवार। क्या परेशानी को लेकर के आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे? हमें, हमारे साथ में एक गाँव में लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बीच में हम थोड़ा सा समझाने गए तो उन लोगों ने हमारी कालर पकड़ ली। कालर पकड़ने के बाद हमें 100 नंबर में लगाए फोन, 100 नंबर वाले आए और हमें उठा के ले। अच्छा। उठा के ले जाने के बाद में हमको अंदर वाले हाल में बैठा दिए और दूसरी पार्टी की बारी बारी विरोध, मतलब रिपोर्ट लिखी, बयान ली और हमने बयान के लिए बोले तो हमको सीधी मैडम ने बोल दी सरकार से दो जमीन मिली, 2000-4000 पैसा मिल रहा है, ऐसा करोगे तो तुम्हारी वर्दी उतार। किसके द्वारा बोला गया ऐसा? मैडम के द्वारा। मैडम कौन से पद में है वहाँ पे? मैडम एसआई सिंगल स्टार वाली है। अच्छा, एएसआई है। तो और क्या कहा गया उनके द्वारा? इतना कहा गया और बोलती है यहाँ राजीनामा में दस्तखत कर, मैं तोड़ दी, अभी उतरी जाएगी। अच्छा, उसके मैंने फिर आज आप यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब के पास आए थे, क्या बोला गया इनके द्वारा? इनको हमने वही बोला गया जो उनके द्वारा क्या बोला गया? सर के द्वारा? मेरे को सर के द्वारा वही बोला गया कि तुम बीच में ना जाना और पहले 100 नंबर को लगाना, बस। क्या आश्वासन दिया गया, क्या कार्रवाई होगी इसमें? अब अभी तो उन पे कार्रवाई करने को बोल दिए 107-16 लगाने के लिए। चलिए, क्या नाम है आपका? यशवंत फूलों के।